बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार जी नेमत बरकत दे नेमत नाल अज दी वीडियो दा आगाज करने आ जी। फैजा बीबी जिहड़ी है ना जी आई हुई अपने नानकियां दे इस टाइम अपने खाला दे घर है ते बड़ी हैप्पी है माशाल्लाह बहुत खुश है क्योंकि इहदियां कज़नां जिहड़ियां ने काफ़ी सारियां ने ते उहनां च ना रात दा मतलब है बहुत ज़्यादा जिहड़ा ना चहचहांदी फिरदी है उत्थे ते फिर सिर्फ ऐज़ा हुंदी है ते या फिर कोई होर दूसरा कोई एक अद्धा बंदा कोई आके उन्हें चुकता लेकिन इतने माशाल्लाह फिर रात दी आई ना रात दी इन्हें बिल्कुल कोई इधरों खिंचता पे कोई इधरों खिंचता पे ये बहुत होने जरा ना हैप्पी है ना। ए मेरे नाल जी फादर इन ला ने मेरे अबू ही सोरा अबू पंजाबी जग रखी है कोई नहीं इवें बैठे रहने ते बुशरा दी अम्मी दी भी डैथ हो गई सी पिछले 3 साल तो लेकिन हुण रिसेंटली फिर मेरी वालदा की भी जिहड़ी ने डैथ हो गई तो अल्लाह ताला जिहड़ा ना इन्हां दा साया साढ़े सिर ते हमेशा कायम रखे तो उन्होंने वालद साहब भी माशाल्लाह हयात ने तो मेरे वालद साहब भी हैं तो तुसीं भी दुआ करो कि अल्लाह ताला इन्हां दा साया जिहड़ा ना साढ़े ते हमेशा रखे। ब्रदर इन ला ने इमरान भाई तो जिहड़ा है एक इन्हां तों वड्डे हैं वो हुण बाहर निकल गए ने वो भी आंदे ने तो मैं उन्होंने भी जिहड़ा ना व्लॉग जिस्सा बनासा तो ये बुशरा दे भाई हैं बुशरा तो छोटे हैं वैसे ते एक उन्होंने व्डे हैं तो एक तीसरा हा इन्हों का भाई तो वह अल्लाह तला प्यारे हो गए हैं अल्लाह तला उन्होंने जन्नत करवट करवट जी ना जगह ता फरमाए। नाश्ता जरा ना जी सुबह सुबह पकाया जा रहा है तो माशाल्लाह तुम चेक करो पराठा कि खूबसूरत जरा ना बनता पाया तो अगर तुम भी जरा नाश्ता करना है तो आ जाओ 100 बिस्मिल्लाह मिल के करने हैं जी। इन्हें माशाल्लाह जरा ना डंगर भी रखे हुए हैं तुम चेक करो ए एक गाय ते उस तो पर जरा ना कट्टा खलोता फिर उस तो पर एक बच्छा वो मतलब कुर्बानी से जरा ना सेल हो सकते हैं तो यह जी फिर घर वास्ते इतू रखे तो ये वैसे बहुत अच्छे होंगे ने जो अगर बंदा रख सके तो एक तरह की जी है ना कमेटी होंगी है इसी पिंड थावे रखने लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे तो जरा है बाहर रहा तो मतलब 20 साल नौकरी बाहर की इन्हों काम का पता ही कोई नहीं तो होंगे ही नहीं होने मेरे को लेकिन ये बड़ी जरूरत का काम है एड्डा सौखा कोई नहीं लेकिन जो करते हैं उन्होंने वास्तव बड़ा ईजी है। नाश्ता जड़ा ने जो मेरा आ गया आलू मटर ते अंडा अगर करते हो तो 100 बिस्मिल्लाह आओ। हाँ 2 पराठे ने साढ़े को एक जड़ा ना वो मैं खावगा एक तुसी खा लेना मेरे नाल। इमरान भाई ने भी ना शॉप बनाई हुई है बड़े अरसे तो मतलब जो वालदा जड़े ना मतलब याद आना तो उन्होंने भी मतलब पहले दी इन्होंने ना दुकान बनाई हुई है तो इन्होंने डॉक्टरी भी की प्रैक्टिकल उस तो बाद जी शॉप वगैरह इधर सारा नलकियाँ छलकियाँ हर चीज़ बिस्कुट वगैरह तो इधर भी सारी मतलब पिंड थां ते जिस तरह की और जिन्नी चीज़ों की जी अवेलेबिलिटी होंगी है ना मतलब जितनी चीज़ों की जरूरत होंगी है लोगों को चीज़ा जी सारी तकरीबन रखी हुई छोटी ज्यादा मतलब बड़िया आइटम या शहर जी वो तो फिर नहीं बाकी एक आम जी करियाना स्टोर है ना छोटा जहा बनाया हुआ तो उस तो इलावा जोड़ा है कारोबार करते हैं जिनस का मतलब है गंदम मक्की मुंजी वगैरह इन्हों की खरीदो फरोख्त भी जी भी करते हैं सीजन वाइज भी अगे पिछे भी करते रहते हैं तो मतलब अच्छा रोजगार जरा ना माशाल्लाह वो बनया सेटअप अच्छा बनाया हुआ है। बेगम जी है ना वो इधर मिले आई है अपनी मशीरा मैं उनका पता करना क्योंकि लेट होंगी भी है घर जाना यार की काम है यार तो काम है अब वीणा ही कोनी मोटरसाइकिल दे बिलाल हूँ जी इन्हें एक होर मशीरा है कि दूसरे पिंड च उधर जाना है तो उतु हो के वापस तो फिर इतू बिलाल उन्होंने लैके तो फिर एक होर मशीरा है सैयद आले फिर उन्होंने को जाना है तो उतु हो के फिर वापस घर जाना ए मशीरा इस तू वी जी है ना जी वह घर है ए जड़ा ने जी दुध काढ़ना इन जड़ा ने साडी जबान च आंदे ने
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਬਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਬਲਦੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣ ਦੇ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈ ਏ ਆਖਣ ਦੇ ਉਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਣ ਦੇ ਉਸ ਉਹ ਜਾਣੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਖਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਵਾਉਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ ਪੂਰਾ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਖਵੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਖੀਰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਏਡੀ ਆਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਨੇ ਪੀਤੀ ਗਈ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੋ ਚਾਰ ਚਮਚ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਵੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਏ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਣੇ ਜਿਸੇ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਸ ਆਹ ਸਿਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਨ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਦੀ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਨਾ ਪੱਕਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਰਹਿਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਈ ਆਪੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਉਸ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਾਡੂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁਕਵਾਵੇਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਵੀ ਨੇ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਵੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਗਾ ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਾਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਵੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਵੱਢਣੀ ਜਮੀਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਢਣ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡੱਬਦਾ ਚਵਾ ਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਗਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਘਿਓ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਆ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ
मसला मसैल बन जाता है, या पैसे की जरूरत हुई तो तुम माल डंगर वेच के अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो, और उस तो बाद फिर कोई छोटा डंगर लैके उन्होंने पाल सकते हो। असं हम इतों निकलते पे हैं जी, और हूँ जाना दोबारा फिर जड़े ना ससुराल पिंड है, तो उत्थे फिर बच्चे जड़े ना ऐजा तो बिलाल उन्होंने लैना, उन्होंने लैके तो फिर जड़े ना अगे सैयद आला इन्हें दूसरी सिस्टर है इस तू वी उन्होंने को दो मिनट ब्रेक करनी है, तो उस तो बाद फिर जड़ा ना इंशाल्लाह अच्छ घर पहुँच जाना। कल असं आया मेरा तो इरादा भी सुबह सुबह जरा ना जल्दी जल्दी वापस चले जाना, तो बच्चों की जी है ना छुट्टी नहीं करवानी, लेकिन वो फिर इतने आए तो सारे ने कहा भी चलो तुम रवो, हूँ राती आए भी ईशा के टाइम हो, तो हूँ तुम जरा ना सुबह सुबह ही मतलब अजाना वाले निकलते पे हो, तो चलो थोड़ी देर रवो तो फिर अच चले जाए अजय कुछ नहीं आता वह, फिर चलो हूँ फिर जान ही नहीं दिता सारे ने इस वजह तो फिर जरा हूँ असं निकलते पे इंशाल्लाह। मदर इन ला जी ना मेरी बुशरा की अम्मी की कबर है, वो बड़े बाई की कबर है जी, इतने आए थे फतेहखानी की है, तो हूँ इतों वापस जाते पे, तो हूँ जाके बच्चों लैके ना तो फिर सैयद अली की वड्डी आपी को जाना है, तो उतू हो के तो फिर इंशाल्लाह जरा ना निकल जाना, तो कोशिश है कि दिन खड़े खड़े ही जरा ना वो घर पहुँच जाए। फायजा बीबी जी ने तो बिलाल भी तैयार होए खड़े ने, हूँ जरा ना अं इतने आ गए ससुराल, तो इतों हूँ अ बाकी का सारा समान जरा ना वह भी मोटरसाइकिल पे जरा ना वो रख लिया वा छापर ऐत, वैसे उत्तर कर लवेंगे ना ठंड बनी खड़ी हवा चलती भी, तो बाकी सारा जरा ना वो समान समून उत्तर रख लिया, तो हूँ इतों निकलन लगे हैं। सैयद आला जरा ना जी अभी पहुँच गए हैं इतने भी माशाला, इन्होंने दुकान जी है ना बनाई हुई है, तो दुकान जी है ना ये चलाते हैं किराने की, क्योंकि ये अपनी जगह है ना इन्ह सारे की, तो आपो अपन जड़े ना मतलब दुकाना छुकाना बनाई हुई ने, बाकी रोजगार इन्हों का भी उही कारोबार है, जिनस वगैरह जी खरीदो फरोख्त करते हैं, सीजन वाइज भी अगे पिछे भी जी चीज़ भी मतलब मिल जाए वो लै लेंगे ने, अगे बेच दी ज्वार होगी मक्की होगी कणक होगी मुंजी होगी इस तरह बाकी जड़ी हुई आइटम इन्ह सारिया वो लेंदे लूंदे रहते हैं, तो अपना बिजनेस जोड़ा है ना वो इस तरीके का ही मतलब करते हैं। नौकरी शोकरी वाला जोड़ा ना वो कोई हिसाब किताब कोई नहीं है इन्ना ज्यादा। अच्छा फायदा भी जी है जो गल करती फायदा घर कर ला बस घर कोई नहीं है। हाँ जी हाँ बस ये सारी जी है तकरीबन 10 to 15 मिनट की है ब्रेक, अद्धा घंटा इतने जी कड़ाना स्टे किया, खाना शाना भी इतों खादा, हूँ इतों निकलते पे हूँ इस तू छोटी सिस्टर है वह भी इतें ही रही है, वो को होना है वो को हो के तो फिर इंशाला घर जाना, तुम भी कहें सब दर हर बार कह रहे हूँ अं जा रहे हूँ जा रहे, लेकिन फिर ब्रेकें जी आना जी वो सारिया कर जो बंदा आंदा है, तो सारिया दिस्टर जी आपको अपने घर चने एक बैठी है, इस तू छोटी जी है ना वो आले घर कुआरी बैठी, बाकी सारिया बरनिया हुई ने उन्होंने फिर जाना पैंता जी उन्होंने, इस वजह तो फिर जरा हूँ उतरता है आखिरी स्टाफ साढ़ा, तो उतू हो के फिर इंशाल्लाह सीधा घर जाना, और वापसी जरा है अम्मी की कबर तू जरा फातेहखानी करके, और कबर जी है ना उन्होंने चंगी तरह वेख विखा के उन्होंने सलाम दुआ करके फिर जाना है इंशाल्लाह। ए ना जी घर की छोटी सिस्टर का जरा बुशरा की छोटी सिस्टर का घर है, असं हूँ इतने आए हैं इतने हूँ तकरीबन कोई 15 मिनट का जरा ना वो असं उन्होंने को मुलाकात करा 15 मिनट बह के, तो उस तो बाद फिर जरा इतों निकल जाना है, क्योंकि ज़्यादा देर बवी है ना तो सफ़र भी है तो बच्चे भी नाल हैं, तो फिर जरूरत कोई नहीं है कि बंदा जरूरी जरा ना शाम करके या सोता करके घर जाना, कल भी लेट निकले है तो अच्छी गल नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल भी कोल होंदा है मोबाइल भी कोल होंदे ने बाकी चीज़ा भी होंदियां ने, तो फिर एवें जड़ा ना बाद बंदे जड़ा ना वो कहंदे ने कि यार इन्हां नूं खुद हनेरा हनेर कहंदे ने, मतलब जिवें बंदा मतलब बेफिक्री होंदी भी मतलब कोई नहीं सानूं तो कुछ भी नहीं होना, इस वजह भी जरूरत कोई नहीं है एवें कोई वाधा घाटा हो जाए कोई रस्ते च, तो फिर जड़ा ना लोग जड़ा ना उल्टा गल्लां करदे ने, इस वजह तो बेहतर है कि जड़ा ना बंदा टाइमो टाइम जड़ा ना अपना घर वापस पहुँच जाए। आए ना जी इहदी छोटी सिस्टर दा घर है, इन्होंने रेंट तो लिया होया अपना भी जरा ना प्लाट लेंदे फिरते हैं, तो लवन गए तो फिर उदा अपना मतलब बना गए, तो यदा फिर कोई नहीं क्योंकि वीडियो अगे भी साढ़े नाल जरा ना ये आई हुई है, इस वजह तू फिर यदा वीडियो च लिया एडा कोई बड़ा मसले वाली कोई नहीं गल, असं हूँ तो हाले उधरों रजिया पी के खा के आए हाले हूँ उठ के आए हैं लाए असि आते बेसा तू बोतलों की गुंजाइश कोई नहीं तू कहीं चावल भी खा लवे नहीं चावल वेरी बंदा है जरा दही बेटे को
चलो बुशरा जल्दी नाल पियो ते आपा फिर जड़ा ना टाइम ओ टाइम नेरे होण ते बलन तकरीबन अद्धा पौना घंटा जड़ा ना जे सानू इत्थे हो गया ते हुण असीं इत्थों निकलण लगे हां ते हुण साडी होर रस्ते च ब्रेक जड़ी ना हो कोई नहीं है। अलहमदुलिल्लाह जी घर जड़ा ना असीं पहुंच गए हैं। रस्ते च फिर मैं क्योंकि बच्चे भी नाल होंदे ने ते नाले वैसे भी तुसां भी मना कीता होया सारे मेरे भैन भाइयों ने और दूसरे नंबर ते जड़ा है मैं आप भी जड़ा ना रिस्क नहीं लैंदा कि रस्ते च जड़ी ना कोई वीडियो बनाई जावे। हुण असीं जी घर पहुंच गए हैं ते नवी मोटरसाइकिल ते नवा नवा सफर जड़ा ना इंदे ते कीता है तो बहुत ही स्वाद आया है। मैं बेहद शुक्र गुजार हाँ उन्हां सारे अपने बहन भाइयों का जिन्ना मैनू सपोर्ट किया है जिन्ना मेरी हेल्प की थी ते मैं इंतहाई शुक्र गुजार हाँ। तो मेरे लो जी पन्ना बन बन प्यार है और पूरी फैमिली नू ते हुण असीं थोड़े को लैने इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआवां याद रखना है। पन्ना बन बन प्यार, अल्लाह हाफिज़।